मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि प्रदेश के जो मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनके बैंक अकाउंट में 1-1,000 रुपए डाले जाएंगे। ये वो मजदूर हैं जो लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंस गए हैं। सीएम के मुताबिक उन्होंने संबंधित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत की है और एमपी के मजदूरों के लिए भोजन और रहने के इंतजाम करने की अपील की है। चौहान ने कहा, प्रदेश के मजदूर जहां फंसे हैं वहीं से वे यह राशि निकाल सकते हैं। कोरोना वायरस की महामारी के चलते देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने के बाद सरकार ने आज बुधवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी। लॉकडाउन के नए नियमों के अंतर्गत जो क्षेत्र कोरोना वायरस से बेहद कम प्रभावित मुक्त रहेंगे वहां सरकार 20 अप्रैल से कुछ बंदिशों के साथ औद्योगिक और अन्य गतिविधियों की इजाजत देगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि देश में अभी भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू नहीं हुआ है। कोरोना संक्रमण को लेकर घर घर सर्वे होगा। केंद्र सरकार ने राज्यों से चर्चा की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने ये जानकारी दी। यूपी के मुरादाबाद में बुधवार को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। पूरे विश्व में हजारों लोगों की मौत की नींद सुला देने वाली कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने वाली डॉक्टरों की टीम पर हमला कर दिया गया। हालात ये थे कि घर की छत से महिलाएं और बच्चे भी डॉक्टरों पर पत्थर बरसाते रहे। डॉक्टरों का खून बहता रहा लेकिन कोई उनको बचाने सामने नहीं आया। पुलिस ने किसी तरह डॉक्टरों को बाहर निकाला और अस्पताल में भेजा। चीन ने बुधवार को कहा कि उसे अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन का कोष रोकने के निर्णय को लेकर काफी चिंता है। साथ ही उसने अमेरिका से आग्रह किया कि कोरोना वायरस के संकट के समय वे अपने दायित्वों को पूरा करें। वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए 2022 तक सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा लेना पड़ सकता है। नई स्टडी में शोधकर्ताओं ने कहा है कि आने वाले सालों में कोरोना वायरस से फिर से तबाही मच सकती है। केदारनाथ मंदिर के मुख्य रावल महाराष्ट्र के नांदेड़ में फंसे हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कपाट खुलने से पहले केदारनाथ पहुंचने की अनुमति मांगी है। पुजारी भीमाशंकर ने इसके लिए पीएम को चिट्ठी लिखी है। पंडित भीमाशंकर ने सड़क मार्ग से उत्तराखंड जाने की इजाजत मांगी है, हालांकि उन्हें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। हरियाणा में मास्क न पहनने पर पहला मामला बुधवार को दर्ज हो गया। यमुनानगर जिले में 3 युवकों पर मास्क न पहनने पर एफआईआर दर्ज हुई है। तीनों के खिलाफ यमुनानगर के छछरौली थाने में धारा 188 और 269 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। सरकार ने अगले 6 महीने में यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक 6 बार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का फैसला किया है। टाइमलाइन के मुताबिक बॉन्ड सितंबर तक 6 किस्तों में जारी किए जाएंगे। बैंकों और बड़े डाकघरों में बेचे जा सकेंगे। रिजर्व बैंक ये सभी किस्तें जारी करेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करके आप अपना पैसा सुरक्षित रख सकते हैं।